Hello everyone, welcome back to our channel Digital Communication Series. चल रहा था हमारा, उसमें हम UI के क्वेश्चन कर रहे थे. आज देखते हैं हम DSS सिस्टम से रिलेटेड. DSS मतलब डायरेक्ट सीक्वेंस सेपरेट स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन. हमें क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए BPSK DSS सिस्टम यूजिंग कोहरेंट डिटेक्शन इज ए ट्रांसमिटेड डाटा बिट. क्या गिवन है हमें, एफपी डाटा बिट रेट. गिवन क्या है हमें, गिवन डाटा बिट रेट. नोट कैसे करते हैं, एफबी, एफबी कितनी देर पर, 3 किलोबाइट. किलो को कैसे लिखते हैं, हर्ज में लिख देते. ठीक है, और क्या क्यों, एन नोड, एन नोड एन नोड गिवन है. ठीक है, कैलकुलेट द प्रोसेसिंग एंड, प्रोसेसिंग एंड फाइंड करना है अपने को, टू फाइंड प्रोसेसिंग एंड, प्रोसेसिंग एंड फाइंड करना. ठीक है, और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ई कितना गिवन है, 10^-6 गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैमिंग सिग्नल इज 10 times ऑफ स्ट्रॉन्गर देन रिसीव्ड सिग्नल. तो हमें क्या होता है, जैमिंग मार्जिन क्या होता है, जैमिंग मार्जिन, जैमिंग मार्जिन होता है, जैमिंग सिग्नल डिवाइड बाय रिसीव्ड सिग्नल. तो हमें ये कितना गिवन है, 10 times दे रखा है, मतलब 10 गिवन है. जैमिंग मार्जिन कितना गिवन है, 10. और क्या गिवन है अपने को, ERF की वैल्यू गिवन है, ERF 3.3 गिवन है, वैल्यू कितना है, 0.99998. ये हमें ERF का वैल्यू चाहिए. हमें फाइंड क्या करना है, प्रोसेसिंग गेन. सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं प्रोसेसिंग गेन के लिए. प्रोसेसिंग गेन प्रॉब्लम क्या होता है, टीबी अपॉन पीसी एंड बिट रेट एंड बिट ड्यूरेशन एंड टाइम चिपिंग टाइम ड्यूरेशन दो फाइंड होते. ठीक है, और हमें क्या गिवन है, जैमिंग मार्जिन. जैमिंग मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, जैमिंग मार्जिन इक्वल्स टू प्रोसेसिंग गेन Then divided by EB upon M naught. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोसेसिंग गेन फाइंड करना है, और जैमिंग मार्जिन हमें गिवन है, और क्या फाइंड करना, EB upon M naught. EB upon M naught कहां से फाइंड होगा, हमें जो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन है उससे अपने को EB upon M naught फाइंड करते हैं. सबसे पहले EB upon M naught फाइंड करते हैं. PE इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ERFC अंडर रूट EB अपॉन एन नॉट. एन नॉट का वैल्यू भी हमें गिवन है. ठीक, वैल्यू पुट अप करते हैं, EB PE का वैल्यू 10^-6 इज इक्वल टू 1/2 ERFC अंडर रूट EB अपॉन एन नॉट का वैल्यू 10^-10. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू को अदर साइड मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 10^-6 इज इक्वल टू ERFC अंडर रूट EB अपॉन 10^-10. ठीक है, ERFC को कैसे सॉल्व करते हैं, ERFC का रिलेशन होता है 1 - ERF इज इक्वल टू ERFC. ERF मतलब एरर फंक्शन, एरर फंक्शन ऑफ ERFC मतलब एरर कॉम्प्लीमेंट एरर फंक्शन. ऐसे क्या वैल्यू मिलेगा, 2 × 10^-6 इज इक्वल टू
1 minus ERF under root EB upon 10 to power minus 10. ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, ERF under root EB upon N node positive 1 minus 2 into 10 raised to power minus 6. ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ से, ERF under root EB upon N node is equal to, ये वैल्यू मिलेगा 0.999998, ये वैल्यू मिला हमने क्वेश्चन में जो है, इस पूरे का वैल्यू क्या है अपने पास, ERF 33, ERF 3.3, क्या लिख सकते हैं, ERF अंडर रूट EB अपॉन N नॉट इज इक्वल टू ERF 3.3. ठीक है, ऐसे ERF कंपेयर करते हैं या इसको कैंसिल आउट कर दे, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलता है आपने, अंडर रूट EB अपॉन N नॉट इज इक्वल टू 3.3. ठीक है, N नॉट का वैल्यू वापस पुटअप कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड क्या मिलेगा, यहाँ से EB अपॉन N नॉट का वैल्यू 10 टू आर माइनस 10 इज इक्वल टू 3.3 स्क्वायर. ठीक है, हमें EB अपॉन N नॉट चाहिए था, EB अपॉन N नॉट डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, यहाँ से EB का वैल्यू क्या मिलेगा, EB अपॉन N नॉट का वैल्यू 3.3 का स्क्वायर. यहाँ से EB वैल्यू क्या मिल रहा है, EB इक्वल टू 3.3 स्क्वायर इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10. ठीक है, यहाँ से EB को कैलकुलेट करते कैसे, 1.089 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 जूल. EB क्या है, एनर्जी, एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, जूल, एनर्जी का यूनिट जूल. ठीक है, यहाँ से EB फाइंड हो गया, तो हमारा प्रोसेसिंग है, सेविंग मार्जिन क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं, सेविंग मार्जिन हमें गिवन था 10 इज इक्वल टू प्रोसेसिंग गेन डिवाइड बाय ईबी अपॉन एन नॉट. ठीक है, तो यहां से प्रोसेसिंग गेन क्या मिलेगा, प्रोसेसिंग गेन पीजी इज इक्वल टू सेविंग मार्जिन 10 इंटू ईबी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.089 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 डिवाइड बाय एन नोड, एन नोड कितना था 10 माइनस 10. ठीक है, यहाँ से हमें क्या प्रोसेसिंग गेन क्या मिल रहा है, 108.9, ये हमारा प्रोसेसिंग गेन फाइंड हुआ. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, गेन का कोई डेफिनेशन वो यूनिट नहीं होता. ठीक है, तो डायरेक्ट अपन प्रोसेसिंग गेन इज इक्वल टू 108.9 लिखेंगे. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, होप आपको समझ में आया होगा. और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ.